सेंटर एमडी मनीष महेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में की अपील, कहा किसी भी आदेश से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। वित्त मंत्री का ऐलान, 3 साल के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। टूरिस्ट गाइड व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से राहत पैकेज का ऐलान। कोरोना के कारण यूएई में होगा T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी को आज जानकारी देगा बीसीसीआई। कोरोना वैक्सीनेशन में अमेरिका से आगे निकला भारत, अब तक लगाई 32 करोड़ 36 लाख लोगों को वैक्सीन। आजमगढ़ में कांग्रेसियों का सड़कों पर जलभराव को लेकर प्रदर्शन, डीएम कार्यालय पहुंचकर किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। लखनऊ के चौक इलाके में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन के सुरक्षा दस्ते पर सरेराह हमला हो गया। वहीं मौके से जान बचाकर कोतवाली पहुंचे वसीम रिजवी ने अज्ञात हमलावरों पर केस दर्ज कराया है। वसीम रिजवी के मुताबिक शाम को वो अपने सुरक्षा दस्तों के साथ घर से निषादगंज की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी चौक सब्जी मंडी के पास वाई प्लस सुरक्षा दस्ते की गाड़ियों पर हमलावरों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सुरक्षाकर्मियों ने वसीम रिजवी को घेराबंदी कर बचाते हुए चौक कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस ने हमलावरों पर केस दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चौक मंडी के पास मैं कहीं काम से जा रहा था तो मुसलमानों की एक भीड़ खड़ी थी, जिसमें से कुछ लोगों ने हमारी गाड़ी पर पत्थरबाजी की है, जिससे हमारे सुरक्षाकर्मी बाल बाल बचे हैं, मेरी गाड़ी के आगे पीछे के शीशे टूटे हैं। मैंने चौक कोतवाली में जाकर वहीं आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सड़कों पर जल जमाव की समस्या को दूर करने की मांग को लेकर और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर जुलूस निकाला और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं राज्यपाल को संबोधित करते हुए 4 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित भी किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर की सड़कों को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने और शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मांग की। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि 30 दिन में सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का बीजेपी वादा कर रही थी, लेकिन सरकार को 4 साल पूरे हो गए लेकिन अभी तक सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। कांग्रेसियों ने कहा कि हम सरकार को और प्रशासन को चेतावनी देते हैं, आजमगढ़ शहर की सड़कों को शीघ्र गड्ढा मुक्त नहीं किया गया और शहर को जलजमाव से निजात नहीं दिलाई गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। एक बरसात में आजमगढ़ से लेकर बनारस तक आपके विकास की पूरी तरह से पोल खुल गई। आज हम इनको जगाने गए थे कि आप शीघ्र आजमगढ़ की सड़कों को दुरुस्त कर दीजिए, जहाँ गड्ढा है उसको गड्ढा मुक्त कर दीजिए। जल जमाव के बारे में आप कुछ ऐसे एक ऐसा इंजाम करिए जिससे जल जमाव की समस्या दूर हो, और जो कूड़े का निस्तारण करिए, जो कूड़े इकट्ठा हो रहे हैं, साफ सफाई नहीं हो रही है, इसका सिर निस्तारण करिए। इसी को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता राकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी है, कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने को तैयार है? जैसा कि आपको पता चले, आजमगढ़ में कहीं ना कहीं योगी सरकार कहती थी गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन आजमगढ़ में तमाम जो ऐसी सड़कें हैं जो शहर के हर क्षेत्रों में जाने हो, चाहे वो डीएम आवास हो, चाहे कमिश्नरी हो, चाहे कोई भी छोटी छोटी चीज, जहाँ वो गड्ढा पूरा गड्ढा हो गया बरसात तक, और अधिकारी एकदम कोई नहीं सुन रहा है। कई बार शिकायत भी की गई है लेकिन अधिकारी से काम में जूझ दम दे दिख रहा है। और सामने निकल कर आई है कांग्रेसियों का ये भी कहना है कि अगर इस तरह की चीजें नहीं जल्द से जल्द निपटाई गई तो बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा। और जैसा कि अभी हमारी यहाँ के जो नगर पालिका जो अध्यक्ष है वो करीबन कई सालों से वो आजमगढ़ में वो नगर पालिका में बैठते तक नहीं है, और काफी उनके बिना कई टेंडर भी पास हो जाते हैं जिनके उनके कार्यकाल में कोई भी योजना जो पास नहीं, चाहे सड़क हो, चाहे नाली, चाहे चढ़ंगा हो, कोई भी कुछ नहीं होता है कार्यकाल में उनके। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए सुरेश। वहीं आजमगढ़ किसानों की समस्या और पंचायत चुनाव में सरकार पर धांधली का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव
के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी से मिलकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकारी मशीनरी चुनाव में मस्त है, लेकिन वहीं इसकी वजह से गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा, गन्ना किसानों का भुगतान अब तक नहीं किया जा सका है। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने भूमि बंजर जमीनों की बात भी जिलाधिकारी से की। क्या किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया गया है? देखिए, इधर सरकार चुनाव में जबरदस्ती लूटपाट कर रही है, लोगों को पर्चे नहीं दाखिल करने दे रही है, वो चुनाव में व्यस्त है। लेकिन किसानों का जो गेहूं था, वह गेहूं क्रय केंद्रों पर जो सरकारी रेट में जाना था, वह गेहूं बिक ही नहीं पा रहा है। बिचौलिए और क्रय केंद्रों के जो अधिकारी हैं, जिले के प्रशासन ने मिल करके जिस तरह से किसानों के गेहूं की लूट हुई है, पौने पौने दाम पर 1400-1500 रुपये में किसान गेहूँ बेचने पर मजबूर हुआ है, इसमें हम लोगों की मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिनका गेहूं अभी बाकी रह गया है उनका गेहूं खरीदा जाए। तो अधिकारी क्या आश्वासन मिला आपको? वो कह रहे हैं कि हम कराएंगे। और इसके बाद यह चीनी गन्ना मिल का 70 करोड़ रुपया बकाया है, किसान उससे परेशान है। वह बकाया मूल्य दिलाने की बात हम लोगों ने किया, अगर नहीं दिया जाएगा तो आने वाले दिनों। राजधानी लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र के अनैया खरगापुर गांव में अवैध खनन जोरों पर है। स्थानीय खनन माफिया रात में अवैध खनन करके मिट्टी पटाई का काम कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आनंद कुमार के करीबी आजमगढ़ विधायक एवं विधानमंडल दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की 40 बीघा प्रॉपर्टी पर अवैध तरह से मिट्टी पटाई की गई। लखनऊ में अर्जुनगंज के प्रॉपर्टी डीलर ने भूमिहीन किसानों के सस्ते दामों में खरीदी हुई पट्टे की पर अवैध खनन करके पटाई के मामले में भाजपा की नेत्री एवं लखनऊ जिले की पदाधिकारी निशा मिश्रा द्वारा प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुल्तानपुर में संचारी रोग नियंत्रण के लिए सीडीओ अतुल वत्स द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सुल्तानपुर जिले में बारिश के समय लोगों को वायरल डिसीज की रोकथाम के लिए मुख्य विकास अधिकारी अतुल्य वत्स ने खुद अभियान का नेतृत्व कर तालाब की साफ सफाई की। बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में 2 विकास खंडों के 220 से अधिक सफाई कर्मी जेसीबी मशीन के साथ विकासखंड परिसर पहुंच गए। विकासखंड परिसर में गंदगी और झाड़ियों का अंबार लगा हुआ था, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने पंचायत राज विभाग की टीम के साथ खुद इसकी शुरुआत कर सभी को यह संदेश दिया कि इस अभियान को अत्यंत गंभीरता से लिया जाए। आज हम लोगों ने एक विशेष सफाई अभियान ब्लॉक बदैया के परिसर में चलाया था। 26 तारीख को हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया था, तो ये पाया गया कि बदैया में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कुछ समस्याएं थी, और साथ ही साथ वहाँ पर जो एक परिसर में तालाब था वो बिल्कुल फट गया था, झाड़ियाँ वगैरह उगाई थी उसके ऊपर, साफ सफाई नहीं हो रही थी काफी। वहीं कानपुर में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। हिंदू परिवार पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अकेले रहने वाले हिंदू परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं परिवार द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ दबंग आए दिन मारपीट और घर पर पथराव करते हैं। एक समुदाय के लोग पीड़ित परिवार को घर छोड़ने और धर्म परिवर्तन कराने का जबरन प्रयास करते रहते हैं। इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार DCP साउथ ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाया है। मैं चमन नगर राजू बिहार नवस्था में रहता हूँ, वहाँ एकमात्र मेरा हिंदू परिवार घर है। वहाँ पर 70-80 मुसलमान परिवारों के बीच में उन लोगों का कहना मतलब है कि तुम गैर मुस्लिम हो, हमारी बिरादरी में तुम आकर के बीच में क्यों रहते हो, या तो यहाँ रहना है तुम्हारे बीच में, हमारे धर्म के अनुसार रहो या धर्म परिवर्तन करो। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ मामला है? देखिए, नवस्था थाना क्षेत्र अंतर्गत ये चमन नगर का मामला है, जहाँ पर एक समुदाय हिंदू परिवार है, उसको वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, एक समुदाय बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर एक तरीके से इस परिवार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस आरोप की लगाया गया है और जबरन धर्म को परिवर्तन करने की बात कही जा रही है, जिस तरीके से लगातार आए दिन घर पर घर वालों को परेशान करना और घर पर पथराव करना, इस तरीके के गंभीर आरोप पीड़ित परिवार की ओर से लगाए गए हैं। लगातार जिस तरीके से
कान की बात करेंगे कानपुर के, अभी हाल ही में आपने देखा होगा रेल बाजार अंतर्गत 10 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हुए थे, पलायन का बोर्ड लगाया था। उसके बाद अब ये एक मामला फिर से निकल कर आया है जो बेहद चौंकाने वाला मामला है, जिसमें एक समुदाय की ओर से दूसरे समुदाय के लोगों को एक तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जा रहा है। जी गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, तापमान में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में गर्मी से जूझ रहे प्रदेशवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आने वाले 3 दिनों तक गर्मी का प्रकोप इसी तरह बना रहेगा। वहीं मौसम विभाग निदेशक JP गुप्ता का कहना है कि हवा में नमी की वजह से उमस ज्यादा है, आगामी 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इसी दौरान निदेशक JP गुप्ता ने कहा कि आने वाले 3 दिनों के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी इलाका है वहां बारिश होने की संभावना है, जिससे प्रदेशवासियों को कुछ राहत मिलेगी। वहीं सीतापुर में धार्मिक कस्बा मिश्रिक के आवासीय क्षेत्र में खुलेआम कबाड़ की दुकानें संचालित हो रही हैं। इन दुकानदारों के पास कबाड़ के लाइसेंस और गाड़ियां काटने की कोई अनुमति नहीं है, फिर भी पुलिस संरक्षण में कस्बे के नहर चौराहे पर पुलिस चौकी के ठीक सामने सीतापुर मार्ग पर कई कबाड़ी दुकानें खुले आम संचालित कर रहे हैं। ये कबाड़ी बिना लाइसेंस के खरीदी गई बाइकों और गाड़ियों को गैस बिल्डिंग से काटकर कबाड़ में बदल देते हैं, फिर उनके पुर्जे शहरों में बेचकर मालामाल हो जाते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो वहीं सभी राजनीतिक दल अपना अपना कुनवा बढ़ाने में जुट गए हैं। राजनीतिक दल अपने कुनवे को बढ़ाने के लिए अन्य दलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अपने दल में शामिल करने में जुट गए हैं। वहीं ताजनगरी आगरा में भी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर दर्जनों लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। समाजवादी पार्टी में शामिल होने वालों में बसपा और भीम आर्मी के कई पदाधिकारी भी शामिल हैं। आज हमारे पार्टी कार्यालय पर तमाम बसपा छोड़कर, भीम आर्मी और भाजपा छोड़कर पदाधिकारी और उनके समर्थकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से प्रेरित होकर आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदीप कुमार हैं जो युवा भीम आर्मी के उपाध्यक्ष थे। दूसरे पे जैकी आनंद जाटव हैं जो पूर्व जिला संयोजक बसपा के, और राजू सिंह जादौन जो भाजपा में रहे इनके साथ। वहीं आजमगढ़ में घर के पास से बरसात के पानी को बहाने को लेकर जमकर विवाद हो गया। विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इस विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर SP सुधीर कुमार सिंह समेत स्थानीय पुलिस पहुंची। पीड़ित परिजन का आरोप था कि बरसात के पानी का विवाद पड़ोसियों समेत अन्य लोगों से था। हमलावरों की तलाश में 4 पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। वर्धा क्षेत्र के बौवापार गांव में 2 पक्षों में बरसात का पानी निकलने को लेकर विवाद हुआ, और इस विवाद में कहासुनी बढ़ गई, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्षों। वहीं अलीगढ़ के कोतवाली इगलास की गोरई चौकी क्षेत्र में देर शाम एक युवक ने कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। वहीं घटना को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। युवक ने खेत पर पहुंचने के बाद कई राउंड फायरिंग की थी, इसके बाद खुद को ही गोली मार ली। घटना की सूचना पर कोतवाल प्रदीप कुमार, चौकी प्रभारी अभय प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आगे की कार्यवाही में जुट गए। आज गोली मार कर हत्या था, खेत में राकेश पंडित भाई ने। किसने मारी गोली? कैसे गोली अभियान मारी था? क्या कारण रहा? कारण जी रहा था बाबूजी का, वो सुबह फोन किया था हम दिनेश पंडित जी ने के खेत में, माँ फोन को हम दिनेश पंडित जी कहीं सिवा फोन आ रहा है, उन्होंने कही कि शराब पी राखी होगी, जाने जाके फोने मत उठा भाई। चलो कोई बात नहीं, मानते हम आए गए गिरीश पंडित जी ने को लेकर, उन्होंने कही ताऊ चाचा ताऊ के छोरा का, फिर मानते लेकर। वही आगरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कुछ दिनों पहले हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। बता दें कि ताजनगरी आगरा से अवैध संबंधों के चलते युवक की हथौड़ा मारकर हत्या का मामला कुछ दिनों पहले सामने आया था। मृतक युवक नीरज RPF कमांडेंट आगरा के
यहाँ पर चालक की नौकरी करता था। नीरज के अपने दोस्त विनोद की पत्नी से अवैध संबंध थे। जिसकी जानकारी विनोद को हुई तो विनोद ने नीरज की हत्या करने की योजना बना डाली। वहीं विनोद ने नीरज को रेलवे कॉलोनी में एकांत जगह पर बुलाकर शराब पिलाने के बाद नशे की हालत में हथौड़ा मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उनसे पुलिस ने जाकर पूछताछ किया है, पूछताछ में उन्होंने कन्फेस किया है, उन्हें उसका कंटोनमेंट में आरपीएफ का क्वार्टर्स के आसपास रेलवे कॉलोनी में उन्होंने यहाँ पर उसका दोनों एक साथ दारू पी है, दारू पीने के बाद हथौड़ा से उनका मारा है, मार के बगल में है गड्ढा। वहीं सोनभद्र जिले से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। अनपरा थाना क्षेत्र के रेणु सागर मोड़ स्थित शमशान घाट के पास एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक नवजात को जिंदा मिट्टी में दफनाने की तैयारी कर रहा था। आरोपी ने नवजात को गड्ढे में जैसे ही डाला तभी बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बच्चे के रोने की आवाज़ सुन पास में रह रहे लोग शमशान घाट की तरफ निकल पड़े। लोगों को आते देख आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं एक महिला ने नवजात शिशु को गड्ढे से बाहर निकालकर अपनी गोद में ले लिया। इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों से पूरे मामले की जानकारी इकट्ठा की और नवजात को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। जहाँ तक मुझे जानकारी है, कल अंतरा थाना क्षेत्र में एक नवजात शिशु को जिसकी उम्र लगभग 15 दिन के आसपास होगी, उसको कोई व्यक्ति ला करके एक गड्ढे में रख रहा था। जब बच्चे की रोने की आवाज आई तो वहाँ कुछ लोग उधर की ओर आकृष्ट हुए, तो जो व्यक्ति रख रहा था वो अज्ञात व्यक्ति था, वहाँ से खिसक गया। पुलिस को सूचना हुई तो पुलिस वहाँ से। सहारनपुर पुलिस ने पुलिसिंग की मिसाल पेश करते हुए 24 घंटे पहले ही रेलवे में कार्यरत लोको पायलट के साथ हुई लूट की घटना का अनावरण कर दिया। घटना में शामिल दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उनके कब्जे से घटना में लूटे गए मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की है। बता दें कि यह सुबह 3:30 बजे रेलवे में लोको पायलट के पद पर नियुक्त सुनील कुमार से थाना सदर बाजार इलाके में ड्यूटी करके घर जाते समय दो बदमाशों ने मारपीट की, साथ ही उनकी मोटरसाइकिल गिराकर उनका मोबाइल फोन और जेब में रखी 1500 रुपये की नकदी लूट ली, जिसके बाद पुलिस द्वारा बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। अभी 26/27 की रात में एक रेलवे कर्मचारी से लूट की घटना हुई थी, जिसमें उसका करीब 1100 रुपया छीन लिया था चाकू दिखा के, उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया था, कुछ कागज़ छीन लिए थे। उसमें उस घटना के दोनों बदमाश गिरफ्तार किया सदर बाजार पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर। वो लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है, उनका पैसा बरामद हुआ है, कुछ कागज़ जो गए थे वो बरामद हुआ है। जो ये इसमें लुटेरे हैं वो यही सदर बाजार क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक लुटेरा। वहीं आजमगढ़ में बुढ़नपुर तहसील में लोगों को मानक के अनुसार राशन न देने और तमाम शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने के संबंध में गांव के लोगों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, जिसको लेकर शासन ने डीएम आजमगढ़ को जांच के आदेश दिए थे। जांच के लिए नायब तहसीलदार और आरओ गांव पहुंचे, जहां गांव वालों का कहना है कि कोटेदार को सस्पेंड किया जाए, कोटेदार अपनी मनमानी से राशन देता है। रायबरेली के खीरो क्षेत्र में अनियंत्रित ओवरलोड तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने आनन फानन में एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया और दोनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ के KGM में रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है, वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। एक एक्सीडेंट हुआ खीरो थाना में, वहाँ पे ट्रक से बाइक से हुआ है, इसमें दो लोग घायल हुए हैं। दोनों बच्चे करीब 18 साल के 20 साल के, एक का नाम है संस्कार तिवारी है और एक आरिक नाम है। जिसमें संस्कार तिवारी तो बहुत सीरियस था, उसको हेड इंजरी हुई थी, गलना पैर भी टूट गया था उसका, जिसको हमारे सर्जन साहब देखे, देखने के बाद लखनऊ रेफर कर दिए, कंडीशन खराब था। बाकी जो आरिक वहीं प्रतापगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां युवक को सामने से बुलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे में युवक को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। वहीं आसपास के लोगों ने पहचान करके उसके ससुराल में सूचना दी। परिजनों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिससे कार जलकर राख हो गई। आग जब तक विकराल रूप लेती तब तक गाड़ी में बैठे लोग बाहर निकल गए और सभी सुरक्षित बच गए। वहीं सूचना मिलने के बाद भी ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम TV।